अगर इमरान खान साहब जो हैं इलेक्शन करवा के वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये सारे मसले हल कर लेंगे? बाहर है जी, वो उनके पास कोई पहले उनकी उनका देखे ना, उनका आखिरी दिन आप सारी रिपोर्ट्स पढ़ लें, ठीक है। वो तरक्की का जो मेयार था वो क्या था और आज क्या है? आज जीरो पे चला गया है। इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम 3.5 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, 6 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 7 चेयरमैन FBR बदले, बदल दिए, लेकिन इकोनॉमी तो ठीक जा रही थी कि नहीं? नहीं सर, ग्रोथ कितनी जा रही थी मुझे बताएं? पाकिस्तान पे आपके कागजों में जा रही थी, कीमतें कहां पे थी जो आज कहां पे हैं? कीमतें इसका जवाब मैं दे, और इसका जवाब जल्दी से, इंपोर्ट कितनी थी, ये जवाब, एक्सपोर्ट कितनी थी बताएं जी। बात सिर्फ इतनी सी आगा साहब, कौम जो है पिछले 4 साल देखती रही है, जो रिजर्व्स हम छोड़ के 2018 में गए थे, जो आप बेड़ा गर्क कर गए यहाँ पे, मईशत का, महंगाई का, जो यहाँ पे तूफान आया, IMF के पास अमलन आपने लेजिस्लेशन के जरिए पाकिस्तान के स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया। ये जुबानी बातें नहीं, जुबानी बातें नहीं, मुझे ये बता दें जुबानी, और अगली बात, आखिरी बात, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, नहीं आप बोले, लेकिन मेरे सवाल ऐड कर दें, आप मुझे बता दें कि रिजर्व्स कितने थे जब इमरान खान गया? हाँ। ग्रोथ रेट कितना था जब इमरान खान गया? एक्सपोर्ट कितनी थी जब इमरान खान गया? और जो अपना ये सर्कुलर डेट था वो कितना था? इसका एक आज ही, कितना इसका ये एक, सारी चीजें मुझे बता दें। इसका एक ही जवाब है, आपने शब्बर साहब जिनको अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा कि जो फिगर्स PTI दे रही है वो सारी फर्ज फिगर्स हैं, वो झूठी फिगर्स हैं। कभी नहीं कहा खुदा, कभी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। एक मिनट सर, मैंने 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 एक ब्रेक लेनी है।